सो हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके मेरे चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो अभी खेतों का है, तो इसलिए बहुत बहुत सॉरी क्योंकि मैं अभी घर में नहीं हूँ। मैं अभी मेरा एक अंकल के घर में आया हूँ, तो वहाँ पर तो कोई अच्छे सेटअप भी नहीं है, तो मुझे इस जगह मिला है मतलब कि वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड बुरा लगता है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताऊँगा कि रियलमी के जो 5.5G है उसकी 3 हिडन ट्रिक के बारे में, और ये जो ट्रिक है आपको कमल की लगेगा मतलब कि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करना चाहते हो या फिर इस ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी पक्का दबा दीजिए ताकि आप देख सकें मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल का जो सेटिंग्स है सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट एंड कॉन्वीनिएंट, फिर इस पर आपको टैप कर देना है, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ पर नेविगेशन के, फिर यहाँ पर आप टैप करके अपना जो मतलब कि मोबाइल का जो बैक बटन या फिर होम बटन या फिर रिसेंट ऐप उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर इस सेटिंग्स को कर लेता हूँ, ठीक है। तो करने के बाद आपको यहाँ पर स्वाइप कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्वाइप कर लिया तो बैक हो गया, ठीक है। मतलब कि बैक बटन जो है, बैक बटन, होम बटन, रिसेंट जो ऐप है मतलब कि वो सब बटन हाइड हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर और भी कस्टमाइज कर सकते हो मतलब कि बैक बटन को, फिर आप साइड जो है उसको आप मतलब कि इस साइड में बैक बटन कर सकते हो, फिर इस साइड में, फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, बैक आ जाना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो बैक बटन है वो अभी इस साइड में है, ठीक है। फिर उसके बाद असिस्टेंट बल, इस पर आपको टैप करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो मतलब कि इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आया, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक मतलब कि पॉपअप आया है, ठीक है। पॉपअप आने के बाद आप यहाँ पर टैप मतलब कि अगर आप सिंगल टैप करोगे तो यहाँ पर आप जिस भी एप्लीकेशन या फिर जिसको भी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर बैक को ही ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद डबल टैप, डबल टैप पे आप जिसको भी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर नॉन को ऐड कर लेता हूँ मतलब कि कोई भी मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद टास्क एंड होल्ड मतलब कि आप अगर टैप करोगे फिर उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करोगे तो यहाँ पर आप जिसको भी ओपन करना चाहते हो मतलब कि ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेता हूँ, ऐड करने के बाद आपको अभी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार टैप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकें मैंने एक बार टैप कर लिया तो बैग हो गए, ठीक है। तो दोस्तों फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकें स्मार्ट साइड बार, यहाँ पर आप टैप करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर आप इनेबल करोगे तो यहाँ पर देख सके, यहाँ पर अच्छे से देखो यहाँ पर एक मतलब कि आइकॉन आया है, ठीक है। यहाँ पर आइकॉन आया है तो मतलब कि यहाँ पर मैं दूसरा फोन से कैमरा कर रहा हूँ तो इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर स्वाइप करोगे तो स्वाइप करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर व्हाट्सअप, मैसेज, यूट्यूब भी मतलब कि ऐड कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर आप ऐड करके अपना टाइम जो है वो बहुत ही बचा सकते हो। मतलब कि आप अगर किसी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपने एप्लीकेशन लिस्ट पर जाना पड़ता है, लेकिन आप अगर इसको ऐड करोगे तो जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।